की व्याख्यान के अंतर्गत वो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन हमारे तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत भी हम सामाजिक परिवर्तन को पढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र में और समाजशास्त्र प्रथम वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सामाजिक परिवर्तन की जो बना रहे हैं, ये दोनों ही कक्षाओं में प्रथम वर्ष और तृतीय वर्ष में हम सामाजिक परिवर्तन को पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन जो है ऐसी प्रक्रिया है कि जो सदैव परिवर्तन अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन को उस प्रक्रिया के रूप में देखता है कि जो सतत निरंतर रूप से चलती है। हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा में हम प्रतिदिन परिवर्तन देखते हैं। सुबह होता है, शाम होती है, पृथ्वी डूबती है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, हवा चलती है, धूप आती है, छाया आती है, बाढ़ बदलती है, अर्थात जीवन की प्रत्येक गति के अंदर हमको परिवर्तन दिखाई देता है। इसी प्रकार समाज में भी कुछ भी शाश्वत नहीं है, सभी चीजें परिवर्तन होती रहती है, अर्थात परिवर्तन आवश्यक मान्य है। और सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन को एक इसके सातत्य के रूप में देखा गया है और यह बताया जाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी घटना है जो हमेशा पाई जाती है और इस घटना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के आधार पर कि समाज और हमारी जो दुनिया आगे बढ़ती है। परिवर्तन से जुड़ी हुई जो अवधारणा है इसको चार्ल्स डार्विन ने बताया, विकास है, विकास है, क्रांति है, ये परिवर्तन की विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर चार्ल्स डार्विन ने काफी प्रकाश किया। और चार्ल्स डार्विन ने बताया था जो भी दुनिया का जो विकास हुआ है उसको हम विकास के संदर्भ में हम समझते हैं। विकास अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरल से जटिल की ओर, समानता से असमानता की ओर और विशेष सामान्य से विशेष की ओर प्रवृत्ति है। दुनिया का जो विकास हुआ है, कोई पृथ्वी का विकास हुआ है, वह एक विकास के क्रम में ही डार्विन इसकी परिभाषा करते हैं। इसी क्रम को जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी रचना में बताया, उसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने भी ये बताने की कोशिश की जिस प्रकार से डार्विन ने उप विकास के सिद्धांत की व्याख्या की उसी प्रकार से जो है समाज का भी विकास उसी क्रम में हुआ है। सामाजिक संस्थाओं का जो विकास हुआ है वो डार्विन के सिद्धांत के आधार पर हुआ। सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न प्रकार के प्रतिमान है उसमें रेखीय प्रतिमान, चक्रीय प्रतिमान, उतार चढ़ाव प्रतिमान का मतलब सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से गठित होता है। रेखीय का मतलब सीधी रेखा के संदर्भ में एकाएक परिवर्तन आता है, बिल्कुल एकदम संचार क्रांति के कारण जो परिवर्तन आता है, आविष्कार के कारण जो परिवर्तन आता है, नवीन खोज के कारण परिवर्तन आता है, जो समाज में यथायथ परिवर्तन आते हैं उनको हम रेखीय परिवर्तन की परिभाषा में देते हैं। अर्थात रेखीय परिवर्तन के आधार पर वो परिवर्तन को अर्थात जो परिवर्तन यथायथ सीधे तौर पर परिवर्तन होते हैं उसको देखिए परिवर्तन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के आविष्कार होते हैं, नवाचार होते हैं और समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसको देखिए परिवर्तन कहते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है उतार चढ़ाव के तौर पर, ये एक पेंडुलम के रूप में होता है। जैसे पेंडुलम की जो गति होती है, एक बार एक अपने मूल अवस्था से एक बार इस अवस्था में जाता है, एक बार उस अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में वो चरम स्थिति में पहुंचता है, वापस अपनी मूल स्थिति में। हालांकि ये पेंडुलम की बात त्वरित नहीं होता है परंतु इसमें वर्षों लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में इसको हम उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जो भी परिवर्तन होता है वो अपनी मूल स्थिति के विपरीत स्थिति में जाता है, फिर उस विपरीत स्थिति की चरम स्थिति में जाने के पश्चात वापस उस मूल स्थिति से उसकी विपरीत स्थिति में आ जाता है। उतार चढ़ाव का क्रम होता है, जैसे फैशन है, कला है, विज्ञान है, फिल्म है, इनमें क्या है कि हम देखते हैं कि जो पुरातन काल में जो चीजें जो बहुत इसको पसंद किया जाता था वो उसकी विपरीत वापस चीजें हो जाती है, पुनः वापस हम देखते हैं वापस वही चीज हो जाती है। उतार चढ़ाव का जो क्रम है वो झूले की भांति जो है उसको सौरभ किन ने इसके बारे में चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत। इसी प्रकार उतार चढ़ाव का ये जो सिद्धांत चक्रीय परिवर्तन हो रहा है कि जो साइकिल चलता है, सब पर्यटन के कारण पूरी दुनिया घूम के वापस इसी साइकिल में आ जाती है। अर्थात जिस मूल स्थिति से वो रवाना होती है वापस परिवर्तन वर्षों पश्चात उसी में आ जाता है। पर्यटन का जो सिद्धांत है जिसमें पर्यटन
अभिजाति वर्ग का जो परिभ्रमण बताया सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट वो इसी सिद्धांत के आधार पर पर्यटकों ने स्पष्ट किया। तो हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन के जो अलग अलग सिद्धांत है प्रत्येक प्रकार के सिद्धांत में परिवर्तन का प्रतिमान रेखीय परिवर्तन क्या कर सकते हैं चक्रीय परिवर्तन उतार चढ़ाव के आधार पर जो परिवर्तन ये परिवर्तन के इसी प्रकार परिवर्तन की जो प्रमुख विशेषताएं परिवर्तन परिवर्तन सार्वभौमिक है अर्थात ये देश काल और समाज के प्रत्येक हिस्से के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हमको परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। परिवर्तन हमेशा सामाजिक होता है अर्थात जैविकीय परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन में नहीं देखते सामाजिक जो परिवेश है सामाजिक जो दायरा है उसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तन शाश्वत है। परिवर्तन हमेशा देश काल से परे होता है। परिवर्तन जो हमेशा जो है शाश्वत इस रूप में परिवर्तन की विभिन्न विशेषताएं हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम परिवर्तन के जो प्रमुख सिद्धांतों का मोटा मोटा रूप देखते हैं उसमें काल मार्क्स का सिद्धांत है। काल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को वर्ग संघर्ष के आधार पर बताया जैसा कि हमने पूर्व के व्याख्यानों में देखा था कि मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में कहा है कि आज तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है अर्थात हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एक्सिस्टिंग सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ क्लास जो भी समाज है आज तक परिवर्तित होते रहे। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक बौद्धिकवाद के तहत भी बातों सोरोकिन ने अपने सिद्धांत में उतार चढ़ाव या पेंडुलम के क्रम में इसको परिवर्तन को बताया। इसी प्रकार ऑफर ने दो प्रकार की संस्कृति बताई भौतिक संस्कृति और अभौतिक ऑफर का कहना है कि एक संस्कृति जब विकसित होती है उसके साथ साथ दूसरी संस्कृति भी अपने आप विकसित होती है। भौतिक संस्कृति जब विकसित होती है उसी क्रम में अभौतिक संस्कृति भी विकसित होती है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की जो ये अवधारणा पर कुछ भूमि आज के व्याख्यान में हमने प्रस्तुत की। धन्यवाद।